आज की शाम की संगीत संध्या की गीत माला में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फेसबुक के माध्यम से जुड़ने का ये हमारा पांचवा प्रयास है। दोस्तों, दिन ब दिन ये संगीत संध्या का प्रोग्राम इतना तेजी से बढ़ रहा है कि आप सभी सुनने वालों को ये जानकर बेहद खुशी होगी कि हमारा लास्ट संगीत संध्या का प्रोग्राम को फेसबुक पर 12,000 से भी ज्यादा लोगों ने देखा था। आप सोच सकते हैं कि हमारी ये संगीत संध्या की आवाज कितने लोगों तक पहुंचती है और कितने परिवार की शाम संगीत और रंगीन हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों की इतनी मोहब्बत और प्यार के लिए हमारे पास कोई लफ्ज नहीं है। सिर्फ आप सभी लोगों को फेसबुक के माध्यम से जुड़े रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आशा करते हैं कि ऐसा ही प्यार आप सभी हमेशा देते रहेंगे और ये गीत माला को और भी सफल बनाएंगे। आज की शाम भी हम कुछ पुराने कुछ नए कलाकारों को लेके आए हैं जो आप सभी को गाना पेश करके आपका दिल जीतना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की शाम का पहला नगमा। दोस्तों, बॉलीवुड ने हमें बहुत सारे गाने दिए हैं। उन गानों में से ये जो गाना है वो हमें जीने की राह सिखाता है। कभी कभी हम ये दुनियादारी की भागदौड़ में इतने तो खो जाते हैं कि हम नेचर से ही रिश्ता तोड़ देते हैं। कुदरत ने हमें जो अनमोल खजाना दिया है वो नेचर को ही हम अनदेखा कर देते हैं। तो क्यों ना हम खो जाए प्यार भरा नगमा के साथ जो हमने लिया है फिल्म गीत गाता चल से, जो रिलीज हुई थी 1975 में। गाया था जसपाल सिंह ने और संगीत से संवारा है रविंद्र जैन ने, जो हम तक ला रहे हैं छीतूबाई भक्तिबाई भक्त फ्रॉम कैंसास। सोने राम कवि गाता चल हो साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल हो साथी गुनगुनाता चल। मंजूरे हंसते हंसाते बीते हर घड़ी हर पल, हो साथी धरती जितना भी देखो तबीयत नहीं बढ़ती। ओ सुंदर से सुंदर हर एक रचना, फूल के कांटों से भी सीखो हंसना। Thank you.
चितू भाई, आपने तो हम सभी को ये गाना गाकर नेचर के से कैसे प्यार किया जा सकता है वो आपने तो हमें सिखा दिया। बहुत खूब, बहुत खूबसूरती से आपने ये गाना गाया। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, 1964 में एक फिल्म आई थी, वो कौन थी? इस फिल्म का ये गाना आज भी हम जब सुनते हैं तो एक रोमांटिक माहौल सा छा जाता है। राजा मेहंदी अली खान ने क्या कमाल की लिरिक्स लिखी है और ऊपर से मदन मोहन जी का मेलोडियस संगीत और लता जी की मीठी आवाज़ सुन के हम पूरी तरह से गाने में डूब जाते हैं। और ये पारा ये गाना लेकर पहली बार आ रही है बिंदुबेन मनहरबाई फ्रॉम सेंट लुइस मजूरी। तो आइए सुनते हैं लग जा गले। राम कबीर, लग जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग
जाग ले के फिर ये हसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जाग ले से हमको आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जाग ले से पासाइए के हम नहीं आएंगे बार बार, पासाइए के हम नहीं आएंगे बार बार, बाहे गले हम रोले जार जार, आंखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जाग ले के फिर ये हसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जाग ले से राम कबीर। क्या बात है बिंदु बहन, क्या बात है, आपने तो ये रात और भी हंसी कर दी। क्या क्या बढ़िया गाना सुनाया आपने, थैंक यू बिंदु बहन फ्रॉम सेंट लुइस, यू संग वेरी वेरी वेल। अभी क्या है भाई कि भास्कर भाई हर गीतमाला में एमसिंग तो बड़ी अच्छी करते ही है, मगर वो बड़े अच्छे गायक भी है, तो हम ऐसा मौका कैसा जाने दे। भास्कर भाई आपको भी आज हमारे लिए एक गाना गाना पड़ेगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी एक गाना गाए, और रिक्वेस्ट का गाना जो मैंने भेजा है आपको उसके बोल है एक अजनबी हसीना से, जो मूवी आई थी 1974 में, और इसका ये सॉन्ग है जो फिल्माया गया था राजेश खन्ना और जीनत अमान पे, म्यूजिक दिया था राहुल देव बर्मन ने और गीतकार थे आनंद बख्शी। तो आइए भास्कर भाई हमें सुनाइए अपनी प्यारी आवाज में आज का प्यारा नगमा। थैंक यू एंड राम कबीर।
हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये न पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया गता से चांद। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया गता से चांद। चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जाने मन जाने जिगर, होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। जाने मन जाने जिगर, होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। मैंने ये कहा तो मुझसे खफा वो, जाने हयात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद। मैं अकेला था मगर बन गई वो हम सफर, वो मेरे साथ हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या मीठी आवाज़ है आपकी भास्कर भाई। और जैसे कमेंट की तो भाड़ा गई है फेसबुक पे, बहुत अच्छा नगमा सुनाया आपने। तो अभी अगला सिंगर को आप इंट्रोड्यूस कीजिए। थैंक यू भास्कर भाई। थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। वो अजनबी से तो हमारी मुलाकात हो गई और वहाँ जाके हम आपके साथ भी जुड़ गए हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं उस जनाब की ओर जिसकी निंदिया को एक
खूबसूरत हसीना की बिंदिया ने चुरा ली है, और ये क्या क्या चुराने वाली है वो सुनते हैं दशरथ भाई और मुक्ता बहन की आवाज में। ये प्यार भरा नगमा हमने लिया है फिल्म अभिमान से, जो रिलीज हुई थी 1973 में, जिसमें अदाकारी निभाई थी श्री अमिताभ बच्चन जी और जया बच्चन जी ने। दोस्तों, इस नगमे को संगीत से संवारा है एस डी बर्मन साहब ने, और गाया है रफ़ी और लता जी ने। गाने के बोल हैं, तेरी बिंदिया। गो अहेड दशरथ भाई, मुक्ता बेन। तेरा अंगना रे, आए हाय तेरा
वेरी नाइस वेरी नाइस, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत प्यार से आप दोनों ने ये गाने को निभाया और आप दोनों बिंदिया और निंदिया एक दोनों की चुराते रहिए और ऐसे ही गुनगुनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं इस गीतमाला की छाँव में। 1981 में एक बड़ी रोमांटिक फिल्म आई थी एक दूजे के लिए। इस फिल्म से लिया गया ये नगमा हमें ये सिखाने की कोशिश करता है कि हर रिश्ते को कोई नाम होना जरूरी तो नहीं है, रिश्ता कोई भी हो सिर्फ प्यार और एहसास होना जरूरी है। तो आइए सुनते हैं ये प्यार भरा नगमा जिसने संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गाने के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और गाया है लता मंगेशकर जी ने। और ये गाना हम तक ला रही है सेजल बेन भिखूबाई भक्त। राम कबीर तू है साहब वे Yeah, there's an audio issue. Yeah. We can come back to you, Sejal Ben, yeah, in a minute. Thank you. Bhaskar Bhai, let's move to a different song. Okay. Yeah, we will come back to you, Sejal. कोई बात नहीं, कभी कभी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो हम आगे बढ़ते हैं इस प्रोग्राम में। बहनों और भाइयों अब ले चलते हैं आप सभी को ईयर 1963 की ओर। उन दिनों में एक फिल्म आई थी फूल बने अंगारे जिसमें राजकुमार और माला सिन्हा ने अदाकारी निभाई थी। दोस्तों मोहब्बत में जब दिल टूटता है तो फूल भी अंगारे बन जाते हैं, ऐसा ही कुछ दर्द भरा नगमा लेकर आ रहे हैं नटूभाई भिखाबाई भक्त फ्रॉम तलसा ओक्लाहोमा। गाया था मुकेश जी ने और म्यूजिक से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने। तो आइए सुनते हैं नटूभाई का प्यारा गाना। राम कबीर चांद आ घर का फूल थाम ले, चांद आ घर का
चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा। कैसे फिर चैन तुझ दिन तेरे बदनाम लेंगे, कैसे फिर चैन तुझ दिन तेरे बदनाम लेंगे। हुस्न की बात चली को सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहे भरेगा। झुकी शिकलिया बात मिश्री की डलिया, होठ गंगा की शाहिल जुल्फ जन्नत की गलिया। तेरी खाती पर से सर पे इल्जाम लेंगे, तेरी खाती पर से सर पे इल्जाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहे भरेगा। न होगी हवा भी कुछ कहेगी जटा भी, और मुमकिन है तेरा जिक्र कर दे खुदा भी। फिर तो पत्थर शायद रक्त से काम लेंगे, फिर तो पत्थर शायद से काम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहे भरेगा। फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहे भरेगा। थैंक यू नटू भाई। बिलीव सेंसिटिविटी। थैंक यू नटू भाई। चांद आहे भरेंगे, फूल भी दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। क्या लिरिक्स लिखी है लिखने वाले ने, और आपने भी बहुत खूबसूरती से निभाया गाना। थैंक यू वेरी मच नटू भाई। और भी आगे भी सुनाते रहेंगे। और दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं अपनी इस गीतमाला की धूप छांव में। जब कोई इंसान को प्यार हो जाता है तो वो असल में पागल नहीं होता है, लेकिन दुनिया जरूर उसे पागल समझती है। प्यार में वो ऐसे तो खो जाते हैं कि अपनी मंजिल को ही भूल जाते हैं, और एक भुला हुआ राही की तरह अपनी मंजिल को ढूंढता रहता है। ऐसे ही ये दो पागल पंछी
ला रहे हैं प्यार भरा नगमा जो हमने लिया है फिल्म प्रेम बंधन से, जो आई थी 1979 में, गाया था लता जी और किशोर कुमार ने, संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो सुनते हैं ये मस्ती भरा नगमा तेजल बेन एंड अम्बरीश भाई पटेल फ्रॉम हचिंसन कैंसास की सुरीली आवाज में। सबने हमारा राम कबीर। तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमता हूँ जैसे मैं कोई प्यासा बादल बरखा को ढूंढता हूँ। जब जब तू छुप जाती है इन फूलों की गलियों में, जब जब तू छुप जाती है इन फूलों की गलियों में, और चटक में लगते हैं कितनी कलियां कलियों में। मैं तेरा पता सभी से ऐसे पूछता हूँ जैसे मैं कोई भूला राही मंजिल को ढूंढता हूँ। मैं तेरे प्यार में पागल पागल।
प्यार में पागल ऐसे घूमता हूँ जैसे मैं कोई प्यासा बादल जैसे मैं कोई प्यासी बदली बरखा को ढूंढता हूँ बरखा को ढूंढता हूँ सावन को ढूंढती हूँ राम कबीर थैंक यू तेजल बहन अमरीश भाई अक्सर प्यार में ऐसा ही होता है ऐसे ही एक दोनों के साथ हंसी खुशी से जिंदगी गुजारते रहो और हम सभी को भी इसका मजा देते रहना थैंक यू वेरी मच बहुत प्यार से आपने ये गाना निभाया दोस्तों अब अभी हम आगे बढ़ते हैं अभी जो अगला नगमा लेकर आ रहे हैं वो भाई साहब एक खूबसूरत हसीना के चेहरे में फंस गए हैं वो हीरे जैसी आंखों वाली के चेहरे ने क्या उस पर जादू कर दिया कि वो जाना चाहते हैं किधर और पहुंच जाते हैं किधर तो चले देखते हैं कौन है ये जनाब बहनों और भाइयों ये नगमा हमने लिया है फिल्म धर्मात्मा से जिसमें फिरोज खान और ब्यूटीफुल हेमा मालिनी ने बहुत खूब अदाकारी की थी गाने को संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने गाया है किशोर कुमार ने और ये गाना हमारे तक ला रहे हैं पीयूष भाई भक्त फ्रॉम मिनियापोलिस मिनिसोटा गाने के बोल है तेरे चेहरे में वो जादू है राम कबीर रेशमा Thank you.
जब से तुझको देखा है देख के खुदा को माना है मान के दिल ये कहता है मेरी खुशियों का तू है खजाना दे दे प्यार की मंजूरी कर दे कमी मेरी पूरी तुझसे थोड़ी भी दूरी मुझको करती है दीवाना आना तुझको मुश्किल ही सही पाने को मचल जाता हूँ पाने को मचल जाता हूँ तेरे चेहरे में वो जादू है दिल डोर खींचा जाता हूँ जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ तेरी ओर चला आता हूँ तेरे चेहरे में वो जादू है Thank you very much. क्या बात है पीयूष भाई, तुम कहते हो तेरे चेहरे में वो जादू है और हम कहते हैं तुम्हारी आवाज में क्या जादू है। ये गाना सुनाकर आपने तो सब पर जादू कर दिया, बहुत खूब, एक्सलेंट सिंगिंग। थैंक यू वेरी मच पीयूष भाई। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं 1970 की साल की ओर। उन दिनों में एक फिल्म आई थी जिसमें राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा ने अदाकारी निभाई थी, कश्मीर की बर्फीली वादियों में फिल्माया ये सिल्वर जुबिली हिट फिल्म का ये गाना हमने लिया है फिल्म गीत से, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी और लता जी ने, संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने, और गीत के बोल है आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे। ह्यूस्टन के एवर ग्रीन एंड एनर्जेटिक ब्यूटीफुल कपल प्रफुल भाई एंड कैलाश बेन ला रहे हैं, तो सुनिए उनकी सुरीली आवाज़ में। राम कबीर यू नीड टू अनम्यूट प्रफुल भाई, अनम्यूट प्लीज। सॉरी मेरे मित्रों मेरे मित्रे आजा तुझको पुकारे चकोरी की प्रेम कहानी
चांद चकोरी की प्रेम कहानी। प्रेम जगत में है सबसे पुरानी, सबसे पुरानी, ओ, से पुरानी एक कहानी तेरी मेरी प्रीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। कभी जमुना किनारे, जमुना किनारे हम ही मिले थे कभी जमुना किनारे। राधा की संत कभी नाम हमारे, नाम हमारे, ओ, फिर वो मुरलिया, फिर वो पायलिया, फिर वही संगीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा, मेरे मीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, राम कबीर, राम कबीर, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात है, आप दोनों ने तो ये गाना सुनाकर सभी को कश्मीर की वादियों की याद करा दी। ऐसे ही सबका मनोरंजन करते रहिए और सभी का दिल बहलाते रहिए। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। Do we go back to Sejal or move on to Praveena? Sejal, Ben, are you ready? Bhikkhu boy? I think we can move to Praveena, Ben. Okay. Let me text him. Dosto, ab hum baatein karte hain 1965 ki, jab ek film aayi thi jisme अदाकारी निभाई थी शशि कपूर और नंदा ने, और इसमें इस गाने का संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने और लिखा था आनंद बख्शी जी ने और गाया था लता मंगेशकर जी ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा जो हम तक ला रही है प्रवीणा बेन सतीश भाई भक्त। कुछ ऐसी तपनी
समा है दीदार का, ये इंतजार का, मिलना तुरंत नहीं मेरा, मौसम बहार का। खूबसूरती से आपने ये प्यार भरा गाना गाकर एक प्यार सा माहौल बना दिया। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं इस गीतमाला के प्रोग्राम में। अगला नगमा हमने लिया है फिल्म महबूब की मेहंदी से, जिसका संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गाया है लता जी ने, और गाने के बोल है जाने क्यों लोग मुहब्बत किया करते हैं, और ये हम तक ला रही है वो तो कोई अजनबी नहीं है, वो काफ़ी बार अपनी संगीत संध्या में और सदन कैलिफोर्निया की गीतमाला में भी बहुत बार उसने गाना वो गा चुकी है, और वो है हमारी छोटी सी प्यारी सी रूपल जतीन भाई बक्ता। Go ahead, Rupal. Ram Kabir. इतने दिल तोड़े
क्या बात है, क्या बात है रूपल, एक ही घराने से दो दो फनकार, पहले नटुभाई और फिर रूपल, बहुत खूब बहुत खूब, एक्सेलेंट सिंगिंग। इसी तरह इत्मीनान से गाती रहो और सबका दिल खुश करती रहो। थैंक यू वेरी मच, एक्सेलेंट सिंगिंग। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं 1985 की ओर। उन दिनों में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सागर, जिसमें ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया ने किरदार निभाया था। उस फिल्म से लिया गया ए नगमा को संगीत से संवारा है आर डी बर्मन ने और गाया है किशोर कुमार ने। गाने के बोल है, चेहरा है या चांद खिला। तो आइए सुनते हैं ये फनकार को जो हमारे लिए पहली बार आ रहे हैं और किसी सागर जैसी आंखों वाली कौन सी हसीना का ये नाम पूछ रहे हैं। तो आइए हम पूछते हैं केतन भाई गोर्धन भाई भक्त को। राम कबीर। चेहरा है या चांद खिला है, सुल्फ गनेरी शान है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा जाने तेरी का दिल कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त कदरिया बहते बहते इस मंजर में थम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। मैं तुमसे दूर सही और तुम से अनजान सही, तेरा साथ नहीं पाऊं तो खैर तेरा अरमान सही।
गर्मा है शोर नहीं हो खामोशी के मेले हो इस दुनिया में कोई नहीं हो हम दोनों ही अकेले हो तेरे सपने देख रहा और मेरा अब काम है क्या सागर जैसी आंखों वाली ये तो पता तेरा नाम है क्या चेहरा है या चांद खिला है जुल्फ जनेरी शान है क्या सागर जैसी आंखों वाली ये तो पता तेरा नाम है क्या Thank you very much, guys. Thank you, thank you. Ketan bhai, bahut khub. Pehli baar aapne gana gaya, lekin bahut khoobsurti se aapne ye gaane nibhaya. Thank you very much. Excellent singing. Keep singing. Dosto, aaj ki geet mala ki saam ko ऐसा क्या हो गया है कि लगता है सभी को जैसे प्रेम रोग लग गया हो अब जो अगला नगमा लेकर आ रही है वो सुबह शाम प्यार में पागल सी रहती है तो आइए सुनते हैं बड़ा ही इंटॉक्सिकेटिंग नगमा जो हमने लिया है फिल्म ये दिल लगी से जो रिलीज हुई थी 1994 में जिसमें गाना गाया था कुमार सानू और लता जी ने संगीत से संवारा है दिलीप एंड समीर सेन ने इस फिल्म में सैफ अली खान और काजल ने बड़ी शानदार अदाकारी निभाई थी और आज की शाम हमारे लिए गाने की अदाकारी निभाने के लिए भी हमारी काजल अंकित भक्त आ रही है तो सुनते हैं काजल की प्यारी भरी आवाज में फिल्म में भी काजल और आज की हमारी फनकार भी काजल राम कबीर Yeah.
सुपर सुपर बहुत खूब वेरी नाइसली संग काजल, इसी तरह आती रहो और सभी का दिल बहलाती रहो. थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइसली संग, एक्सलेंट. दोस्तों हम इस गीत माला की छांव में अभी हम आगे बढ़ते हैं. बहनों और भाइयों, 1967 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था हमराज. ये फिल्म का ये गाना महेंद्र कपूर की आवाज़ में इतना मधुर लगता है कि हम सुनते ही रहे. रवि जी ने म्यूजिक से इस तरह सजाया है कि आज भी जब हम उसे सुनते हैं तो बस गाने में हम खो जाते हैं. तो आइए सुनते हैं आज की शाम के महेंद्र कपूर को, जो और कोई नहीं, वो है जाने माने कलाकार बच्चूभाई भक्त. गाने के बोल है, तुम अगर साथ देने का वादा करो. साथ देने का वादा करो. मैं यूगी मस्त नगर में लुटाता रहूं,
तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहो। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे चुराता रहूं। कितने जलवे फिजाओं में बिखरे मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरे ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम अगर मेरी नजरों की याद रहो, मैं हर एक सांस नजरे चुराता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे में लुटाता रहूं। मैंने ख्वाबों में बरसों तलाशा, जिसे तुम वही संगे मरमर तस्वीर हो। तुम ना समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम अगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यही मस्त नगमे में लुटाता रहूं। मैं अकेला बहुत देर चलता रहा, अब सफर जिंदगानी का कटता नहीं। जब तक कोई रंगी सहारा न हो, वक्त का फिर जवानी कटता नहीं। तुम अगर हम कदम बन के चलते रहो, मैं जमी पे सितारे बिछाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। थैंक यू राम कबीर एंड मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। थैंक यू बच्चू भाई।
क्या खूबसूरती से आपने गाना गाया, बहुत खूब। और जैसे आपने गाने में साथ देने का वादा किया, ऐसे ही हमारा साथ देते रहना और सभी का दिल बहलाते रहना। थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आई थी वो म्यूज़िक में, वो कभी कभी हो जाता है जूम में, कोई बात नहीं। आपकी आवाज़ लाइक अ गोल्डन वॉइस। थैंक यू वेरी मच बच्चू भाई। दोस्तों बिफोर वी गो टू द लास्ट सॉन्ग ऑफ टुनाइट, इज सेजल रेडी? ओके, देन यू कैन गो अहेड ऑन द नेक्स्ट वन। राम कबीर। Thank you.
थैंक यू सेजल वेरी नाइस. रिश्ता कोई भी हो, चाहे जाना हो और अनजाना हो, सिर्फ प्यार और मोहब्बत और एहसास की ज़रूरत है रिश्ते में. बहुत अच्छी तरह आपने ये गाना गाकर सबको खुश कर दिया. थैंक यू वेरी मच. दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस शाम की शाम का आखिरी नगमा तक. और वैसे तो हमारे बॉलीवुड में बहुत से बेहतरीन गाने हैं, वो सभी को तो इस प्रोग्राम में गाना नामुमकिन है. तो हमारी ये कलाकार जो है उसने सोचा कि क्यों ना कुछ गाने लेकर एक साथ में पेश करूं, जिसे आजकल की टीनेज यंग हसीना ए मेडली के नाम से वो बोलते हैं. तो हमारे लिए ला रही है ये मेलोडियस मेडली, यानी कि गीतों की सरगम, वो और कोई नहीं हमारी जानी मानी कलाकार हेतलबेन भक्त फ्रॉम लॉस एंजेलिस कैलिफोर्निया. हेलो राम कबीर, थैंक यू एवरीवन फॉर इनवाइटिंग एज अ गेस्ट. थैंक यू सो मच. I'm
थैंक यू एवरीवन क्या बात है हेतल बहन, तुमने तो ये आखिरी नगमा इतना प्यार से गाया कि मन करता है कि आज की शाम की ये महफिल यूं ही चलती रहे। एक्सलेंट, वेरी वेल संग, सुपर सुपर, थैंक यू वेरी मच हेतल बहन। दोस्तों, ये हमारा आखिरी नगमा था। अगेन ये हमारा आज की शाम की संगीत संध्या का आखिरी नगमा था। आशा है आप सभी को आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। सभी कलाकारों ने पूरे दिल से आप सभी को एंटरटेन करने का प्रयास किया है। सभी कलाकारों को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो भी गलतियां हुई है वो हमें बताइए, और जो कुछ अच्छा लगा हो वो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारी अगली गीतमाला का प्रोग्राम 2 हफ्ते के बाद होगा, तो जो भी इस प्रोग्राम में अपनी टैलेंट शेयर करना चाहते हैं वो गुणवंत भाई, आनंद भाई, जीतू भाई या फिर हमारा कांटेक्ट करें। फिर एक बार आप सभी को फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। खुश रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और सुरक्षित रहो। यही मंगल कामना के साथ सभी सुनने वालों को वेरी वेरी मैरी क्रिसमस, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, राम कबीर। जीतू भाई, यू कैन फॉलो अप ऑन इट। थैंक यू राम कबीर, आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू भास्कर भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल द सिंगर्स टुडे, यू ऑल डिड फैबुलस जॉब सिंगिंग। देयर वर क्लोज टू 500 पीपल वाचिंग ऑन फेसबुक लाइव, सो यू नो, हैट्स ऑफ टू यू ऑल, थैंक यू ऑल। टू आवर फेसबुक व्यूअर्स, केवो लाग्यो आजनो अमारो गीतमालानो कार्यक्रम? जो सारो लाग्यो होय तो कमेंट करवानो भूलता नहीं। तमे अमने टेक्स्ट पण करी सको छो, तमारी सराहना अमने थोड़ुक प्रोत्साहन आपशे, अमारा सिंगरोने पण घणो प्रोत्साहन मळशे। तो डोंट फॉरगेट टू यू नो कमेंट, लाइक, यू नो सेंड अस योर इमोजीज, वी लव टू हैव दोज एवरी वीक। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग ऑन फेसबुक। Like Bhaskar Kaka said, if you have a hobby, if you have a talent to sing Bollywood singing, reach out to any of us, and then, you know, we will try to see and get your next gitala. We are always looking for new talent, new singers each and every week. So call us. You have our numbers. You know how to reach us. You can PM us, DM us on Facebook. My phone number is on bhakta.com website as well. So does our team. I want to bring 2 things to you today. Download SRBS app that is created for exclusively Bhakta Samaj members only. You can get all the information on it, like today's Geetmala. We normally do text from now on. So download today. It's free app. It's a great tool to have in your cell phone. Also, we are updating our database. This is kind of bad year, but it is a good year for SRBS. So we have done revision of our database, and we are planning to publish directory in late spring or early summer next year in 2021. So even though if you have correct address listed, reach out to your local trustee, your local board member, verify your listings in it. We are looking for cell phone number, your name, address, and email. That is must. And we have better plan for communications for future SRBS. So contact your local trustee, and then they can update or verify your listing is correct or not. If you have moved, please call us. If your address has changed, please call us, and we will be happy to take time and, you know, change that for you. You must call your local trustee to do that. They have your access to the database. And again, we are planning to do that early into the summer. Also, we are looking for some young professionals for our next Zoom call. We're planning for a panel discussion in the near future.
and I'm in touch with few young professionals as well. The subject is parenting, and if you are a young professional or know someone who can be our panelist, please pass their contact number to me directly and I'll get in touch with them. We are planning to address how to raise our kids with our Gujarati culture and Bhakta culture. So please reach out to us, and you know, you will love that Zoom that we can promise you. So thank you all once again. Thank you all for joining. Personally, I want to thank our team, Bhaskar Kaka, as always, great emceeing every single time. Anand Bhai, great hard worker, you know, behind our Geet Mala. He put a lot of time and effort in this. Gunwan Kaka is our kind of backbone, you know, text, phone call every time. And all of you participant, and especially जो जो आ रहा हमने साथ नहीं आपे तो हमारे गमे तो सारा प्रोग्राम हुआ हमने पर मजा नहीं आवे तो खास जो आवरनो सौनो आवर थैंक यू ऑल राम कबीर एंड वी विल साइन ऑफ नाउ थैंक यू ऑल लीडर